अस्सलाम दोस्तों, आपने ये एंड तक वीडियो देखनी है लाजमी। जो जो इमरान खान ने बातें की जमानत मुश्किल बात है, और फिर ये जो पुलिस ने जुल्म किया तब भी किया और अभी आज, यानी कोई किसी ने उनको तंग नहीं किया लेकिन उन्होंने जुल्म किया। ठीक, देखो एक चीज याद रखिए कि हमें अल्लाह कुरान में कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखो, समझे ना। वो किसी वजह से कहता है कि उनकी जिंदगी से सीखो, क्यों कहता है? क्योंकि दुनिया की तारीख में किसी इंसान को अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी नहीं जो उनको दी। और उनकी जिंदगी क्या थी कि बड़ा मुश्किल वक्त से वो निकले। हमें क्यों कहता है अल्लाह के उनकी जिंदगी से सीखो? क्योंकि उनकी जिंदगी एक जद्दोजहद का नाम था, वो अल्लाह के हबीब थे। अल्लाह चाहता तो उनको पहले दूसरे दिन ही मदीना की रियासत देकर अरूज दे देता, लेकिन 13 साल अल्लाह ने उनको मुश्किल तरीन वक्त से गुजारा। उसके बाद मदीना में जब वो आए तो वो भी एक 313 लोग थे लड़ने वाले जंगे बदर में, और जंगे ओहद में और खंदक में बाल बाल बचे, वो उमा खत्म होने लगी थी, खतरे में थी। लेकिन उस मुश्किल वक्त से निकल के दुनिया की उन लोगों ने फिर इमामत की। एक कुरान की आयत है कि हर मुश्किल के बाद तुम्हें आसानी होता, लेकिन मुश्किलें अल्लाह की तरफ से आती है, ये आपकी बेहतरी के लिए होती है। मुश्किल इंसान को सिखाती है, मुश्किल वक्त इंसान को मजबूत करता है, मुश्किल वक्त इंसान को लीडर बनाता है। कोई लीडर आज तक मुश्किल वक्त अगर उससे ना गुजरा वो लीडर नहीं बनता। तो इसलिए ये हमेशा याद रखना कि ये अल्लाह हमें आजमाता है। उसने कुरान में कहा मैं बार बार तुम्हें आजमाऊंगा मुश्किल वक्त से, हमारी बेहतरी के लिए। जो सारा कुरान शरीफ है वो इंसान की बेहतरी के लिए, हमें रास्ता अल्लाह, जिसको शरिया कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता। तो इसलिए याद रखना कि ये जब होते ना डंडे पड़े, कुछ हो, कोई जेल में चला गया, इससे घबराना नहीं चाहिए, ये इंसान की आजमाइश है। लेकिन जब इंसान ये मुश्किल वक्त से निकल जाता है और सब्र करता है मुश्किल वक्त और जदोजहद करता है, तो फिर अल्लाह उन इंसानों को, उस कौम को नवाजता है। जिस तरह उसने मदीना की हमें अल्लाह कहता ना कि उनके रास्ते से सीखो, तो वही लोग थे, हैसियत कोई नहीं थी, कोई उनको पहचान ही नहीं थी। एक तरफ एक सुपर पावर, दूसरी तरफ दूसरी सुपर पावर। तो ये तारीख का हिस्सा है कि जंग बदर के 11 सालों के बाद, ये तारीख है, दुनिया की तारीख का हिस्सा है कि जंग बदर में 313 थे, 11 सालों के बाद पहले एक सुपर पावर गिरती है फिर दूसरी सुपर पावर गिरती है उनके सामने। तो इससे हमें क्या समझना था कि कभी मुश्किल वक्त से जो अल्लाह में ईमान रखने वाला आदमी कभी घबराता नहीं, आजमाइश लेता है, ये समझता है कि मैं और मुझे अल्लाह ऊपर दे रहा है, अरूज दे रहा है, मुझे मजबूत कर रहा है। तो आप सब भी जब ये बाहर बैठे होते हैं याद रखें कि हमें अल्लाह ने किसी मकसद के लिए पैदा किया, और वो मकसद जो है उसके अंदर हमें वो चाहता है कि हम मुश्किल वक्त सब्र से गुजारें, मेहनत करें। और फिर अल्लाह उसको इज्जत देता है उन लोगों को, जिस तरह उसने जिस हमारे नबी को वो इज्जत दी जो आज तक कभी किसी इंसान को नहीं मिली। तो ये सब के लिए आपके लिए समझना, इसे घबराया नहीं करते कि आज ये हो गया तो पुलिस ने डंडे मार दिए, ये पुलिस अब कल आपके सामने सुरूप मारेगी। वही लोग जो आज फिरौन बने हुए हैं, दुनिया की तारीख में बड़े बड़े फिरौन गिरते हमने देखे हैं, वो बाजवा फिरौन बना हुआ था, सुपर बादशाह बना हुआ था, आज वो दुम दबा के दुबई में बैठा हुआ है। तो ये ऊंच नीच होती है, लेकिन इंसान को अपना रास्ता, जो रास्ता हमें मांगते हैं ना हम नमाज में, अल्लाह उस रास्ते पर लगा होता है। लीडर जो कि अपने जो चाहने वाले उनको अपने पास बुलाकर उनकी बातें सुने, उनसे प्यार करे, उनकी हर तरह की तसल्ली दे के क्या कुछ होने वाला, क्या कुछ हो जाएगा, ये सब कुछ लीडर को जो पता होता है। और हौसला अफजाई भी लीडर ही करता है। अगर अवाम लीडर की हौसला अफजाई करती है तो लीडर जो है ना वो अवाम की हौसला अफजाई करता है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लोगों को कितनी चाह से प्यार से इमरान खान जो मिले हैं, उनसे बातें की हैं, उनकी बातें सुनी है। कौन कितनी देर से जो है ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ में शामिल हुआ, सपोर्टर हुआ, वोटर हुआ,
ये सब बातें इमरान खान ने इन लोगों से सुनी है। कितनी कितनी दूर से ये लोग आए हैं, ये अपनी बातें बता रहे और इमरान खान इनकी बातें सुन रहा है। ये जमान पार्क का जो वाक़या है, जो 13 मार्च 2023 से जो कश्मीर बना हुआ है जमान पार्क लाहौर, उस दिन से लेकर 16 तारीख तक ये वाक़या है और 16 की रात को ये वीडियो सामने आई है जो कि मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। कारकुन होता है ऐसा जो अपने लीडर के लिए जो है ना जान निछावर करे, जान निसार करे, ऐसा कारकुन होना चाहिए। हर पार्टी ही ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए जो है ना कारकुन खुद ब खुद रोए और उसके जो है ना उसके दर्द को दर्द समझा जाए। यानी कि अगर कोई कारकुन है उसका दर्द पार्टी समझे और पार्टी का दर्द जो है ना कारकुन समझे। इसे कहते हैं जान निसार। ये लोग देख लें आप जो है ना इमरान खान साहब को अपनी हकीकत बता रहे हैं, कब से कौन किस तरह से जो है ना पीटीआई में शामिल हुआ, ये तमाम बातें आप आपको मैं लहदा से भी एक वीडियो बना के जो है ना दिखा दूंगा। लेकिन अभी बताने का आपको मकसद ये है कि पीटीआई से लोगों का प्यार जो है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्यार है। मैंने जब से ये वोटर सपोर्टर पीटीआई के हैं, इनमें जितना जज्बा मैंने देखा है ना, मैंने ये किसी दीगर जमात के सपोर्टर वोटरों में नहीं देखा, ना ही कोई किसी के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार होता है। ये आप देख लें जितने भी वाक़े हुए हैं पहले, जितनी भी गिरफ्तारियां हुई, अगर किसी ने कोई दिफा किया अपने लीडर का तो मुझे बताना। ये लोग वो हैं जो कि अपने घर बार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, और कोई कई ऐसे लोग हैं जो कि अपने बच्चों समेत इमरान खान साहब के, ये जमान के वाक़े के फौरन बाद की वीडियो है। रात को जब इमरान खान ने अपने चाहने वालों को अपने पास बुलाया और उनसे उनका जो है ना मौकफ सुना, और मौकफ सुनने के बाद